हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज पफ पेटीज की रेसिपी। ये पेटीज घर के ही सिंपल से इंग्रेडिएंट से बनकर रेडी होगी। सबसे खास बात यह है कि हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है, तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी रेसिपी। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूँ का आटा और 1 कप मैदा। मैं दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ। आप चाहे तो पूरे गेहूँ के आटे या पूरे मैदा से भी बना सकते हैं। 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक, 1/4 टीस्पून डालना है अजवाइन क्रश करके, और 4 टेबलस्पून हमें इसमें डालना है मोइन के लिए ऑयल। और मिक्स करके इस तरह से बाइंड करके देखिए, अगर इस तरह से बाइंड हो रहा है तो इसका मतलब मोइन हमारा परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बनाना है, ना तो हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है। ये देखिए हमारा आटा लग के रेडी हो गया है, इसे कवर करके रख देंगे। अब चलिए हम बनाते हैं इसकी स्टफिंग। स्टफिंग के लिए हमने 2 से 3 टेबलस्पून लिया है ऑयल, उसमें डाला है जीरा, जैसे जीरा क्रैकल होगा उसमें डालनी है 1/2 टीस्पून ग्रेट की हुई अदरक, 1 से 2 हरी मिर्च, 1 डालनी है हमें बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करना है। अब इसमें डालने हैं 3 से 4 बॉयल किए हुए आलू, 1/2 टीस्पून डालना है लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गर्म मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1 टीस्पून नमक डालना है। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक वाला पार्ट मुझसे स्किप हो गया था तो आप ज़रूर डालिएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से भूनना है, जिस तरह से हम समोसे की स्टफिंग बनाते हैं 5 मिनट के लिए इसे भूनना है। अब इसमें डालने हैं 1/4 कप बॉयल किए हुए मटर, आप बिना मटर के भी बना सकते हैं। 1/4 टीस्पून डालिए इसमें कसूरी मेथी, थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। स्टफिंग इसकी रेडी है, स्टफिंग को हमें ठंडा करना है। अब इसके लिए हम बनाते हैं मार्जन। मार्जन के लिए हमने यहाँ पर लिया है 4 टेबलस्पून मैदा और 4 टेबलस्पून बटर। आप चाहें तो बटर की जगह घी का यूज़ भी कर सकते हैं, पर आपको ऑयल का यूज़ नहीं करना है। इसे अच्छे से मिक्स करके रखते हैं। ये देखिए आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब आटे की हमें लोई बनाकर रेडी करनी है सेम साइज़ की। देखिए इसको सूखे मैदा में डस्ट करके पतला बेलना है और सारी लोई की रोटियां बेलकर रेडी करनी है। देखिए हमने रोटियां बेल ली है, इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाइए, उसके एक के ऊपर एक रोटियां रखते जाइए जिससे कि चिपके ना आपस में। और ये देखिए जो हमने मार्जिन बनाया था मैदा और बटर का, एक रोटी लेना है उसके ऊपर इस तरह से मार्जिन लगाना है, थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करना है, फिर अगेन दूसरी रोटी रखनी है। सभी रोटी में इस तरह से सेम प्रोसेस करना है, एक के ऊपर एक सारी रोटी हमने लगा दी है। अब इस तरह से टाइटली हमें फोल्ड करना है, इससे हमारी पेटीज खस्ता एंड क्रिस्पी बनेंगी और इसमें काफ़ी सारी लेयर्स भी आएंगी। इस तरह से इसे टाइटली रोल करना है और इसे इक्वल साइजेस में कट करना है। अब एक लोई लेनी है, इसे इस तरह से प्रेस करना है और सूखे मैदा में डस्ट करके इसे बेलना है। देखिए हमने बेल लिया है, अब इसको चारों तरफ से कट करना है स्क्वायर शेप देने के लिए। अब इसमें रखनी है हमें स्टफिंग और इसके चारों तरफ हमें लगाना है पानी, जिससे ये स्टिक हो जाए, चिपक जाए और ऑयल में खुले ना। और हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है, इसके कॉर्नर्स को सील करना है। देखिए इस तरह से हमने इसको सील कर दिया है और यहाँ ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। ऑयल को हमें मीडियम टेम्परेचर पर गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये बाहर से सिक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो मीडियम हॉट ऑयल में इसे फ्राई कीजिए और टर्न करते हुए इसे दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। ये देखिए हमारी पेटीज फ्राई हो गई है अच्छे से। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, पर मैं एक सर्व करने का आपको तरीका बताती हूँ। इस तरह से आपको बीच में से खोलना है और इसमें लगानी है हरे धनिया की चटनी और थोड़ा सा लगाना है इसमें टमाटो सॉस। आप चाहें तो इसकी जगह मेयोनीज का यूज़ भी कर सकते हैं इनके साथ। और बारीक कटी हुई डालनी है इसमें प्याज और थोड़ी सी हमें डालनी है इसमें नमकीन और हरा धनिया और इसे इस तरह से सर्व कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे ट्राई करके अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।